हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे फूलों के शहर कन्नौज में। और अभी हो रही है हमारी सुबह की पूजा। और उसके बाद में सूर्य भगवान को जल। सुबह का मेरा यही रूटीन होता है। सुबह का रूटीन मेरा और भी होता है, तो सुबह का मेरा रूटीन बच्चों का होता है, बच्चों को भेजना है स्कूल, तो वो सब मैं फिर किसी दिन दिखाऊंगी। मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही है सर्दी की वजह से, तो मैंने आलू छोटे छोटे आलू काट के रख लिए हैं, बॉयल किए हुए रखे हुए थे, तो आज मैं पोहा थोड़ा सा अलग बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो मैंने मूँगफली के दाना फ्राई किए हैं, आप डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो नहीं डालो। तो यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह बिल्कुल छोटा छोटा बारीक काट लिया, क्योंकि पोहा थोड़ा सा ही था। तो हम अगर वैसे कुछ लोग है ना कच्चा आलू फ्राई करके भी डाल लेते हैं, पर मैंने वैसा नहीं किया। प्याज डाल दिया है, थोड़ा सा मसाले डाले हैं, उसके बाद में थोड़ी सी मैंने चीनी डाल दी थी और आलू डाल दिया है जो बॉयल के हुए रखे थे, काटे थे मैंने छोटे छोटे। पोहा डाल दिया है, अच्छे से मिक्स करूँगी इसको 10 मिनट तक गैस पे स्लो गैस करके रखा रहने दूंगी। और मूंगफली के दाना मैंने इनको फोड़ा नहीं है, मतलब छिलके वगैरह नहीं निकाले थे, ऐसे ही डाल दिए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो ही जाता है, छिलकों में भी प्रोटीन होता है। तो बस नमक वगैरह डाल दिया है और आलू डाल के पता पहले मुझे लगा पता नहीं कैसे लगेंगे पोहा, पर बहुत अच्छा लगा पोहा। मतलब अलग अलग तरीके से भी बनाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ एक ही तरीके से आप बनाते रहो, अलग अलग टाइप। थोड़ा सा मैंने भुगनू भी डाल दिया था, तो थोड़ा चेंज करके मैंने बनाया था पोहा, जैसे डेली बनाती हूँ वैसा नहीं बनाया था। और इसका कलर थोड़ा ज़रूर चेंज हो गया था क्योंकि भुगनू डाल दिया था इसलिए, और थोड़ी सी रेड मिर्च डाल दी थी क्योंकि बच्चे तो खाएंगे नहीं, ऊपर से थोड़ी सी हींग डाल दी है। हींग देखना, मेरी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से सारी चाय निकल गई। अब मैंने कहा अब इनको पहले नाश्ता कर लेती हूँ, चाय ठंडी हो जाएगी, तो मैंने कहा बाद में साफ सफाई वाला काम करूँगी। वैसे भी गैस किचन साफ करने के लिए हो गई है, तो बस तीन ही लोग हैं, तो तीन लोगों की प्लेट लग चुकी है, आप लोग भी आ जाइएगा। एकदम से तीखा और चटपटा वाला। और बस फिर उसी के बाद में मैंने यहाँ पे चूल्हा पोत दे रही हूँ क्योंकि शाम को खाना बनाया था इसलिए। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने मिट्टी गिर गई थी ना, तो वो सफाई कर दी है, तो लकड़ी वगैरह रख ले रही हूँ। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो राग मिट्टी नहीं थी जो चूल्हे की निकली, वो मैंने पोती जैसी पोता कहते हैं पोती क्या कहते हैं वो लगा दी थी, थोड़ा सा निरमा मिलाया और जो मिट्टी जिसकी चूल्हे की नहीं लकड़ियों की निकली हुई थी राग बोलते हैं वो, उससे पोता लगा दिया है। उससे क्या होगा ना, हमारा कुकर जलेगा नहीं, अच्छे से जल्दी साफ़ हो जाएगा, वरना अगर नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा जल जाता है चूल्हे पे। इसमें डाल दिया पानी। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये चना का साग नहीं रखा था वो डाल दिया है, क्योंकि दीदी मैंने वीडियो नहीं बना पाया था, मैं भूल गई थी। तो बस चना का साग मेरा हो चुका है रेडी नहीं हुआ है, मतलब आधा पक चुका है। हल्दी नमक डाल दिया है और चने की दाल डाल दी है। यहाँ पे ना चना की दाल उसमें जो चना का साग बनता है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे मक्के के आटा का जो आलन लगाते हैं ना वो लगा दिया है, और खटाई डाल दी थी, थोड़ा खौला दिया है। उसके बाद मैं इसमें छौंक लगाऊंगी, तो छौंक मैंने लगाया है, हींग है, जीरा है, लाल खड़ी मिर्च है और लहसुन, क्योंकि चने का साग ठंडा होता है ना, इस वजह से सब लोग कहते हैं। और अब बना रही हूँ मक्के की रोटी।
मक्के की रोटी में टाइम लगता है, तो फिर मैंने थोड़ा दीदी से कहा, दीदी आपसे एक तो, और इसी के साथ में और बस रोटी में सेक रही थी। दीदी रोटी को ना हमेशा धीमे धीमे सेकना चाहिए। और बस ये खाना खा रहे हैं तो एक एक रोटी इनको देते जा रहे हैं। दीदी कुछ आप इस बात में ही करते जा रहे हैं, हंस रहे थे हम लोग। और बस एक एक रोटी सेकते जा रहे खाते हैं। उसके बाद मैं दीदी और मैं भूल गई थी आटा लगाना। बच्चे देव मेरे बहुत चिढ़ते, मम्मी ये रोटी नहीं खाऊंगा, मम्मी मैं बड़ा हो जाऊंगा तभी ये रोटी खाऊंगा। बच्चों का नाम लिया, बच्चे आ गए, चीज़ वगैरह पता नहीं क्या हुए, खाते हुए आए हैं दोनों लोग। तो मैंने थोड़ा सा आटा गूंद लिया, मैं रोटी गेहूँ की चूल्हे पे ही बना ले रही हूँ क्योंकि तवा काला हो रहा था। तो फिर मैंने, और यहाँ पे ये आलू की सब्ज़ी, प्याज आलू की इसके सब्ज़ी बनाई थी वो है। और बच्चे खाना खा रहे हैं हमारे, मैं भी खाना, मज़ा आ गया। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी करूँगी। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली डेली मिलती रहे। तो बच्चों को मैंने एक एक गिलास दूध भी दे दिया, बच्चे आ भी चुके हैं। तो मक्के की रोटी, चना का साग, और बस ये आके कुछ कह रहे थे, खड़े हुए थे। हाँ बच्चों को डांट रहे थे, ये खाना नहीं खा रहे, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। तो बस यही किए जा रहे थे तब से। तो मिलती हूँ आप लोगों से, राधे राधे।